दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका होम्योपैथी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की नर्व में जब कोई इंजुरी आ जाती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति की नस में कोई इंजुरी आ जाती है, कोई चोट लग जाती है, तब इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों हाइपेरिकम परफोरेटम। तो आज मैं आपको हाइपेरिकम परफोरेटम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर हाइपेरिकम परफोरेटम जो मेडिसिन होती है, इसका यूज किस तरह से होम्योपैथी में किया जाता है और किन सिम्टम्स के लिए, किन बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइपेरिकम जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, इसका उपयोग नर्व इंजुरी में किया जाता है। तो अब नर्व इंजुरी में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसने अपना हाथ दरवाजे में फंसा लिया, यानी कि दरवाजे की जो चौखट होती है और उसका जो गेट होता है उनके बीच में बच्चे उंगली फंसा लेते हैं, कभी अलमारी में उंगली फंसा लेते हैं, या वो हाथ के ऊपर कोई चीज गिरा लेते हैं और उनको बहुत दर्द होता है। खास तौर से ये जो दर्द होता है जब इंजुरी कोई टिप ऑफ द फिंगर पे लगती है, यानी कि इस हिस्से में जब चोट लगती है तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ये जो बहुत ज्यादा दर्द है, सिवियर पेनफुल कंडीशन, ये हाइपेरिकम का एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, क्योंकि यहां पर आपकी नर्व डैमेज हुई है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया है और उसका हाथ जो है वो क्रश हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, आगे से बहुत ज्यादा उसको चोट लगी है और उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पूरा खून निकल रहा है और उंगली बिल्कुल जो है वो पिच चुकी है, मतलब कि बिल्कुल दब चुकी है, क्रश हो चुकी है, तब उस कंडीशन में हम लोग हाइपेरिकम मदर टिंचर का यूज करते हैं। इसके बाद यदि किसी को लॉक्ड जॉ की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक समस्या होती है जिसमें कि हमारा जो ये हिस्सा होता है गाल का, जिसको कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहा जाता है या जिसे हिंदी में हम जबड़ा कहते हैं, इस जबड़े में जब कभी तकलीफ होती है, दर्द होता है और उसके कारण व्यक्ति का जो मुंह होता है वो ओपन नहीं होता है और जो ये जो जॉइंट है ये अपनी एक जगह पर फिक्स होके रह जाता है, तब इस कंडीशन को लॉक्ड जॉ बोलते हैं। अब ये जो लॉक्ड जॉ वाली कंडीशन होती है ये किन किन पेशेंट्स में होती है, जिनका दांत निकाला गया हो, या जिनको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की प्रॉब्लम हो, या फिर जिनको टिटनेस की समस्या हो रही हो, टिटनेस के सिम्टम्स डेवलप होने लगे हो, उन सारे पेशेंट्स में ये लॉक्ड जॉ की कंडीशन होती है और उस कंडीशन में हम हाइपेरिकम परफोरेटम का यूज होम्योपैथी में करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कॉक्सिगोडाइनिया की प्रॉब्लम होती है, कॉक्सिगोडाइनिया का मतलब होता है कि जिन लोगों की टेल बोन, समझते हैं टेल बोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जो सबसे आखिर की जो हड्डी होती है उसे कॉसिक्स बोला जाता है, COCCYX कॉसिक्स बोला जाता है। उस कॉसिक्स में जब कभी दर्द होता है, सामान्य भाषा में उसे टेल बोन बोलते हैं, तो उस टेल बोन में जब कभी दर्द होता है और वो जो दर्द होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है पेशेंट को, तब उस कंडीशन में हाइपेरिकम का मदर टिंचर यूज किया जाता है। ये जो दर्द होता है पेशेंट को कॉक्सिगोडाइनिया के कारण, ये जो दर्द है वो चलने में एकदम से ज्यादा तेज होता है। मान लीजिए कोई पेशेंट बैठा हुआ है और वो हार्ड सरफेस पे जब बैठता है तब उसको ज्यादा दर्द होगा, सॉफ्ट सरफेस पे बैठेगा उसको उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, दर्द तो होगा लेकिन ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन यदि वो किसी हार्ड सरफेस पे बैठ जाएगा तो उसे बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है और वो दर्द और तब बढ़ जाता है जबकि वो उठ के चलना शुरू करता है। जैसे ही वो चलना शुरू करेगा उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, फिर धीरे धीरे चूंकि वो खड़ा हो गया है, टेल बोन का प्रेशर खत्म हो गया है और उसको वॉकिंग से उसको रिलीफ मिलने लगा है, इसलिए उसके दर्द में जो है वो थोड़ी सी कमी आ जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को नंबनेस की शिकायत होती है, यानी कि जिन लोगों को सुन्नपन आने की शिकायत होती है, अब चूंकि सुन्नपन कब आता है, जबकि नर्व डैमेज हो गई होती है, तो किसी भी ऑर्गन में सुन्नपन आ रहा हो, मान लीजिए हाथ में आ रहा हो, पैरों में आ रहा हो, कमर के निचले हिस्से में आ रहा हो, हिप्स वाले एरिया में आ रहा हो, तब उस कंडीशन में हाइपेरिकम परफोरेटम का यूज किया जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी में सबसे ज्यादा ये मेडिसिन अगर यूज की जाती है तो वो स्पाइनल इंजरी के केसेस में यूज की जाती है। अब आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि चूंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके आसपास चारों तरफ नर्व का बहुत ज्यादा फैलाव होता है और ये सारी नसें हमारे दिमाग को हमारे शरीर से कनेक्ट करती हैं, तो इसके कारण जब भी किसी पेशेंट का स्पाइन का कोई ऑपरेशन होता है
या फिर स्पाइन में कभी उसको कोई इंजेक्शन लगता है। स्पाइन में इंजेक्शन कब लगता है? जबकि किसी का लंबर पंक्चर किया जा रहा हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और उसका सीजेरियन सेक्शन किया जा रहा हो, जैसे सी सेक्शन बोलते हैं, तो सी सेक्शन करने के लिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है। तब उसके कारण, यानी कि उस एनेस्थीसिया के कारण, उसको रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहां पर नर्व डैमेज हो जाती है। इसलिए जिन लोगों को सीजेरियन सेक्शन के बाद कमर दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, उनसे चलते फिरते उठते बैठते बिल्कुल नहीं बनता है, उन लोगों को भी, उन महिलाओं को भी हमेशा हाइपेरिकम का मदर टिंचर यूज करना चाहिए और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। तो ये जो पेशेंट होता है, इसको ऐसा लगता है जैसे कि ये हवा में चल रहा है, और इसका जो वर्टेक्स होता है, यानी कि ये सिर का ये जो हिस्सा होता है, इसको इस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा आइसी कोल्ड फीलिंग होती है, यानी कि उसको ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने बर्फ वाला ठंडा हाथ रख दिया हो, और अंदर ही अंदर उसका जो ब्रेन है वो एकदम कंप्रेस होने लगा हो, ऐसी उसको फीलिंग आती है। उसके दिमाग में एकदम ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई उसके दिमाग को दबा रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा हैवीनेस की फीलिंग होती है ब्रेन में, हेड में, इस तरह से। यदि हम इसके एब्डोमिन की बात करते हैं या स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में इसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि स्टमक में कोई लंप पड़ा हुआ है, कोई चीज़ है जो स्टमक में पड़ी हुई है, इसको ये सेंसेशन होता है। इसके साथ ही रेक्टम में इसको बहुत ज़्यादा हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को नंबनेस आती है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में, यानी कि कमर के निचले हिस्से से, पैरों में, और उनको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत है और पाइल्स की भी शिकायत है, उन लोगों को भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपेरिकम परफोरेटम। इसके अलावा हेमरॉइड्स से ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि पाइल्स से खून भी आता है, और इसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसकी जो जीभ होती है, जीभ का बेस जहाँ होता है, यानी कि जीभ जहाँ अटैच होती है, वहाँ पर टंग जो रहती है वो एकदम वाइट कोटेड होगी, और टिप जो होगी, यानी कि जीभ का जो बाहरी हिस्सा होता है, वो एकदम क्लीन होता है। ये हाइपेरिकम का एक कैरेक्टरिस्टिक या पिक्यूलियर, जिसको हम बोलते हैं पिक्यूलियर सिम्टम होता है। इसके अलावा यदि हम इसकी एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, तो शोल्डर में, यानी कि कंधों के इस हिस्से में, यहाँ से इसको बड़ा दर्द रहता है। तो जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और सर्वाइकल में जब उन्होंने अपना एक्सरे कराया है या फिर एमआरआई या सीटी स्कैन वगैरह कराया है, और उसमें उनको पता चला है कि उनकी जो नर्व है यहाँ सर्वाइकल एरिया की, वो दब रही है, और जिसके कारण उनका जो दर्द है वो यहाँ नीचे शोल्डर पे आ रहा है, या राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में कहीं पे जा रहा है, दोनों तरफ कहीं भी, तब उन कंडीशंस में हमें हाइपेरिकम का मदर टिंचर यूज जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। इसके अलावा इन लोगों को ये जो दर्द होता है, ये फिंगर टिप्स तक आता है। मैंने अभी आपको बताया था कि फिंगर टिप यदि कभी क्रश हो जाती है तो उसमें नर्व इंजरी होती है, ठीक वैसे ही नर्व यहाँ से जो इंजोर्ड है उसके कारण ये जो दर्द है यहाँ फिंगर टिप्स तक आता है, और उसकी हाइपेरिकम परफोरेटम बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। यदि हम इसके अस्थमेटिक सिम्टम्स की बात करते हैं या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं, तो ये जो पेशेंट होता है इसको सिवियर अस्थमेटिक अटैक की शिकायत होती है उस मौसम में जबकि बहुत तेज पानी गिर रहा हो और बहुत तेज हवाएं चल रही हों, यानी कि स्टॉर्म जैसा जो मौसम होता है, तूफान जैसा जो मौसम होता है, जहां की बिजली कड़क रही हो, पानी गिर रहा हो और तेज हवाएं चल रही हों, उन कंडीशंस में यदि इस पेशेंट को अस्थमा की शिकायत हो रही है और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तब उस पेशेंट की होम्योपैथी में जो मेडिसिन हेल्प करती है वो होती है हाइपेरिकम परफोरेटम। इसके अलावा ये जो पेशेंट होता है इसको एक्सपेक्टोरेशन जब निकल जाता है, यानी कि म्यूकस जब निकल जाता है, तो म्यूकस निकलने से इसको बड़ा ही आराम मिलता है। यदि हम इस मेडिसिन के स्किन के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो ये मेडिसिन हाइपरहाइड्रोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि जिन लोगों को प्रोफ्यूज परस्पायरेशन या प्रोफ्यूज स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, खास तौर से स्काल्प से बहुत पसीना आता है, सोकर उठने के बाद पसीना ज़्यादा आता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उन लोगों के लिए हाइपेरिकम परफोरेटम बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। के अलावा हर्पीज जूस्टर के वो केसेस, चूंकि हर्पीज में भी नर्व इन्वॉल्व हो जाती हैं और वहां पर सिवियर न्यूरालजिक पेन होता है, तो उन केसेस में भी हाइपेरिकम परफोरेटम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पेशेंट की। तो दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स हैं जो हाइपेरिकम परफोरेटम को इंडिकेट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसको किस डोज में लेना है।
तो हमें हाइपेरिकम परफोरेटम का हमेशा मदर टिंचर यूज करना है या थर्ड पोटेंसी। अब थर्ड पोटेंसी जो है वो ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल होती नहीं है, इसलिए मैं हमेशा क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके मदर टिंचर का यूज करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हाइपेरिकम का हमें मदर टिंचर यूज करना है। अब डोज इसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, यदि किसी पेशेंट को एक्यूट इंजुरी है और बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा है, सिवियर पेन जैसा कि मैंने आपको बताया है, तब उस कंडीशन में 5-5 बूंद हर आधे घंटे में उस पेशेंट को आधे कप पानी में मिला के दी जा सकती है, और फिर उसके बाद जब 5-6 बार हो जाए यानी 2-3 घंटे बाद फिर उसके डोज को आधा कर देना चाहिए, फिर और आधा और फिर उसका भी आधा, यानी कि डोज का जो इंटरवल है उसको बढ़ा देना चाहिए। यदि कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो फिर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना शुरू करना चाहिए। कंपनी की बात यदि हम करें तो आपको जो कंपनी SBL, रैगबैग, जर्मन, WSI, जो भी आपको लेना हो आप उस कंपनी का ले सकते हैं। लोकल किसी भी मार्केट की कंपनी का ना लें, वो उसके रिजल्ट्स पता नहीं कैसे होंगे। तो ये जो अच्छी ब्रांड होती हैं आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।